अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अमन अली यादव आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जो एक आज से कोई तकरीबन एक साल पहले रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके पीछे बहुत सारी मुहर्रकात थी, उसके पीछे बहुत सारी जो है वो प्लानिंगें थी, उसके पीछे वो सब कुछ शामिल था कि जिसमें बड़े बड़े रिलीफ दिलवाने हैं, जिसके अंदर चाहे कोई सबका वज़ीर आज़म हो, जिसके अंदर कोई पार्टी का सरबराह हो, कोई सबका सदर हो, कोई किसी का रिश्तेदार हो, किसी की बहन हो, किसी का बेटा हो, तो तमाम को बड़े बड़े रिलीफ दिलाने थे। और फिर नैब के अंदर तरमीम आपके सामने आई, उसके अलावा नैब में कवानीन को तब्दील किया गया, 2022 आर्डिनेंस को लेके आए गए, उसके अलावा ईवीएम मशीन का खात्मा, ओवरसीज को वोट का हक कि हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी, तो ये सब कुछ चलता रहा और आवाम ने इसको देखा। मगर अभी एक और जो मेरा ख्याल है अदलिया के लिए एक रिफॉर्म किया गया है, इस रिफॉर्म के बाद या फिर देखिए अदलिया के अंदर जो रिफॉर्म की बात है ना, वो इमरान खान साहब या मेरी अगर पर्सनल राय ली जाए तो ठीक है कि ऐसा होना भी चाहिए। देखिए होता पता क्या है, आज शायद आपको लग रहा है जी उमरत आबंदियाल साहब हैं तो कल को काजी फैसल साहब भी आ सकते हैं, फिर उसके बाद जस्टिस जयदुल हसन साहब भी आ सकते हैं। मैं ये बड़ी गारंटी से बात कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आएगी तो उस वक्त अगर कोई चीफ जस्टिस हुए तो वो भी कोई ले सकते हैं, सो मोटो आज खुद नोटिस ले सकते हैं, तो वो उस वक्त फिर उनके लिए बड़ा मसला होता है। देखिए ये 1980 से मामला चल रहा था के होना चाहिए, भुट्टो साहब की शहादत के बाद ये काम जो है वो स्टार्ट हो गया, मगर उसके ऊपर काम इंप्लीमेंट नहीं था हो रहा, मगर इस हुकूमत ने इसको किया, पीडीएम ने आगे किया और उन्होंने आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब से ले ली, यानी कि तीन सीनियर जजेज जो हैं वो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। और डेफिनेटली जब तीन सीनियर जजेज इस पर बात करेंगे तो जितने आज खुद नोटिस हुए थे या हुए हैं अभी भी, उन सब के ऊपर अपील का हक दे दिया गया है। और वो कहते नहीं कि होना भी चाहिए कि वो जो ना 184 सब क्लास 3, यानी कि 184 सब क्लास 3 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ सबको इख्तियार होता है कि आज खुद नोटिस लेने का, उसमें जितने भी आज खुद नोटिस हुए, चाहे वो जस्टिस साकम निसार साहब ने लिए हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लिए हैं, चाहे वो उमर अताब बंदियाल साहब ने लिए हैं, जस्टिस तहार चौधरी साहब ने लिए हैं, तमाम के ऊपर जो है वो रिवाइज होगा। तो इसमें सईद यूसुफ लगलानी साहब उनको इख्तियार मिल गया अपील दायर करने का, क्योंकि उनका मामला भी ऐसा खुद नोटिस था जिसमें उनको 30 सेकंड सजा होती है, फिर वो ताजा नाहल होते हैं 5 साल के लिए, फिर वो अहल हो गए। फिर जो जहांगीर तरीन है उनका मामला भी यही है। फिर नवाशी साहब का सबसे बड़ा जो मामला है वो यही है, पहले तो उनका प्लान ये था कि इमरान खान साहब को नाहल करके, दोनों को नाहल करके एक साथ ताजा अहल करवाएं, मगर उन्होंने अदलिया के ये काम किया, अभी तीनों को और भी जिनका हुआ है आज खुद नोटिस, वो एक माह के अंदर अंदर एक दफा में अपील दायर करके अपना केस रीओपन करवा सकते हैं और वही वकील हायर कर सकते हैं जो उससे पहले उधर मौजूद थे, जो उनका केस फाइट करते रहे। एक्चुअली मामला ये है कि किसी सूरत नवाशी साहब को वापस लेके आना है, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की उस दहाने पे खड़ी है कि जहां पे अगर थोड़ा सा धक्का लगा तो ये समझे सारी जिंदगी के लिए बह जाएगी, तो उनके बचाने के लिए वो चाह रहे हैं कि नवाशी साहब आए, और नवाशी साहब आएंगे तो मैं भी ये जानता हूं और आपको भी पता है इमरान खान साहब की सियासत को अरूज मिलेगा। इमरान खान साहब की सियासत में जो है वो काफी जो है वो लोग फिर एक दफा चार्ज होंगे, क्योंकि फिर बामुकाबला होंगे इमरान खान और बामुकाबला नवाशी साहब। उधर जी सदर आरएसएस नलवी साहब ने बकायदा तौर पर यह बात कह दी है कि सवालिया निशान ना वो मेरे वाली बात के टाइमिंग बड़ी उनकी जो है वो एक मीनिंगफुल है, उसके अलावा उन्होंने कह दिया कि मुझे तो अक्टूबर में भी इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, और ये तो मरियम नवाज साहब ने भी कहा है कि हम एक दो जगह के ऊपर इंतखाबात करा दें, बकाया सब कुछ इस तरह छोड़ दें, ऐसा मुमकिन नहीं। तो मुझे भी नजर आ रहा है कि इंतखाबात, मगर मुझे अक्टूबर में जो मेरी एक बार बार मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 15 जुलाई तक ठीक है आपके मुल्क के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं, तो ये एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर होगा तमाम के लिए ठीक है। उधर जी जनरल बाजवा साहब ने बकायदा तौर के ऊपर फिर शाहिद मित्रा साहब को एक जो पार्ट 3 आया है उसके अंदर उन्होंने बकायदा तौर के ऊपर डान ली सका कि जो परवेज रशीद है जिनको मरियम नवाज साहब अंकल परवेज कहते हैं, 70 मिनट तक वो कॉल करते रहे हैं सर मैडा को जो कि डान ली का नुमाइंदा था, उसके साथ वो गुफ्तगू करते रहे, उन्होंने सारी बातों को उसमें जो है वो डिस्कस किया। फिर उन्होंने कहा जी मैंने किस तरह नवाज शरीफ की मदद की, किस तरह मैंने मरियम नवाज सभा के साथ मदद की, किस तरह मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें की, कितनी मैंने मरियम नवाज सभा के साथ की, ये सारी जो है
वो डेफिनेटली एक बड़ी मीनिंगफुल होने जा रही है और इसका डेफिनेटली एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। फिर आसिफ सईद खोसा साहब के मुतालिक पूछा गया, आप जाना चीज रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी क्या उनकी कोई जाति दुश्मनी थी मुस्लिम नवाज के साथ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आसिफ सईद खोसा और शुभाष साहब की जाति दुश्मनी ये थी कि शुभाष साहब ने आसिफ सईद खोसा की सिस्टर को 1990 में तलाक दी थी। आप जानते हैं शुभाष साहब की जो माजी है वो बड़ा एक राय है इस मामले के अंदर। तो वो कहते हैं आसिफ सईद खोसा साहब की सिस्टर को इन्होंने तलाक दी, तो उस वक्त से जो है वो हालात इनके दरमियान जो है वो कशीदा से कशीदा होते गए और फिर इस लेवल तक बात आ गई। मगर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आज की जो समात है उसके अंदर मुझे लगता है कि एक बेंच टूटेगा। वो बेंच इसे टूटेगा क्योंकि जस्टिस जो अमीनुद्दीन साहब है उन्होंने, जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस शाह साहब, इन तीनों ने बकाया तौर के ऊपर एक जो है लोअर जुडिशरी, इन्होंने कुछ बातें की जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब को आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए, तमाम आज खुद नोटिस को मुलतवी कर देना चाहिए। काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन इन दोनों ने तो बकाया तौर के ऊपर समझे जूनियर होकर सीनियर को इंस्ट्रक्शन दिए, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी जो चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक बातें कर रहे हैं वो इसी बेंच का हिस्सा है, जो 5 रुकनी एक बेंच इस वक्त इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा। तो मुझे लगता है शायद आज अमीनुद्दीन साहब इस मामले से निकल जाए। मगर अगर मैं बात करूँ तो 3 या मैक्सिमम 4 दिनों में आपके इंतहाबात का फैसला होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, लाजमी कर उसे शेयर कीजिए। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दिया। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को यदि अल्लाह आपका हमेशा।